सत श्रीकाल द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइंस इस बुलेटिन नाल मैं जगजीवन मीत। अज दिया खास खास खबर शुरू करने तो पहला पेश है अज का खालस विचार। जानवरों नाल जेकर असी मनुख हो के जानवर वर्गा वर्ताव करते हैं तो फिर साढ़े तो जानवरों विचकार कोई बहुता फर्क नहीं रह जाता। तो हुण पेश ने अज दिया खास खबर। संयुक्त किसान मोर्चा अज मनाएगा युवा किसान दिवस। नौजवानों की खेतीबाड़ी अते किसान अंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी का किया जाएगा सन्मान। सारा दिन नौजवान चलाएंगे मंच, संबोधन भी करेंगे नौजवान। संयुक्त किसान मोर्चा वालों अज करवाया जाएगा ग्लोबल लाइव वैबीनार। सवेरे 9 बजे तो दोपहर 2 बजे तक किसान जथेबंदियों के आगुआ अते सहयोगियों वालों 3 खेती कानूनों की असलियत बारे की जाएगी विचार चर्चा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि असी किसानों नाल 12वें दौर की गलबात की, असी किसी भी समय किसान नाल गलबात कर ली हाँ तैयार। असी खेती कानूनों नू लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला अजे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। किसानी अंदोलन दौरान गिरफ्तार हुए 18 होर किसानों की हुई जमानत। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी। मोहाली के इतिहासक गुरद्वारा श्री अंब साहब विखे श्री गुरु हर राय साहब जी के प्रकाश पुरब दियां लगियां रौनकां। अमृतसर में बीजेपी लीडर श्वेत मलिक का किसानों ने किया तिखा विरोध। किसानों ने की खेती कानूनों के खिलाफ नारेबाजी। पासपोर्ट दफ्तर आए थे श्वेत मलिक। हुण रोटी पकाउणी हुई महंगी। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए होर होया महंगा। उज्ज्वल योजना अधीन आने वालों से भी लागू होएगा यह वादा। दिल्ली में हुण 14 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 794 रुपए हुई जो पहला सी 769 रुपए। हरियाणा पुलिस ने किरत अधिकारियों की कारकुन नौदीप कौर से तशद्दुद के दोषों को बेबुनियाद करार दिता। कहा कारकुन उद्योगपतियों को वसूलती है फरौती। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी प्रगति रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने कहा कुछ झूठे दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से। पिछले महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए मजदूर अधिकार संगठन के प्रधान शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर सट्टा आईया सामने। रिपोर्ट में हत्था पैरों में फ्रैक्चर अते फुटे हुए ने नौ। इस तो इलावा सदमे के लक्षण भी आए ने शिव कुमार भी सामने। टूलकिट मामले में अदालत ने पुलिस को शांतनु खिलाफ कार्रवाई करने तो रोकया। शांतनु मुल्क को गिरफ्तार करने तो 9 मार्च तक दी राहत। ऑनलाइन कंटेंट को लेकर आ रही शिकायतों पर कर रहे हैं कार्रवाई। हिंसा लिए सोशल मीडिया की हो रही है वरतों। 24 घंटे अंदर हटानी पवेगी इतराजयोग पोस्ट। कंपनियों को चीफ कंप्लेंट अफसर करना पवेगा तैनात। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से गाहकों की करनी होएगी वेरीफिकेशन। पच्छमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने किया पेट्रोल ते डीजल दी वधिया कीमतों का विरोध। स्कूटर से पहुंचे सकत्रित। कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम चला रहे थे स्कूटर। देश के कई हिस्सों में 100 रुपए तो पार हो गए ने पेट्रोल दी कीमत। GST खिलाफ 8 करोड़ कारोबारियों वालों आज देशव्यापी हड़ताल। कन्फेडरेशन आफ इंडिया ट्रेडर्स ने बयान में कहा देश भर में 40,000 तो वध व्यापारक संगठनों संबंधित 8 करोड़ तो वध व्यापारी करेंगे भारत बंद। तरन तारण जिले की दाणा मंडी विखे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने की महारैली। वड्डी गिणती लोगों ने की शमूलीयत। रैली में इनकलाबी नारे की गूंज में दिल्ली और साका ननकाणा साहिब के शहीदों किया गया याद। दिल्ली के गाजीपुर बार्डर से पुलिस की सख्ती। किसान बोले तानाशाही दी सारिया हदा पार। पुलिस ने मुख्य सड़कां कीतियां बंद। कई किसान मुजाहराकारियों नूं भेजे नोटिस। किसान आगुआ ने गाजीपुर बार्डर से इस संबंधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार वालों भेजे नोटसां दी की निखेधी। किसान अंदोलन बारे हरियाणा के भाजपा लीडरों का बयान। कहा असी मोदी का राज वेख्या। होली तक दिल्ली नेड़े एक भी किसान नहीं आवेगा नज़र। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान अंदोलन बारे हर वर्ग चिंतित। खत्म होना चाहिए है किसान अंदोलन। गलबात नाल ही निकलेगा इसका हल। सिक्स फॉर जस्टिस नाल जुड़े मामले में 6 लोगों तो पूछगिछ। सरकार ने कहा इस पूछगिछ का किसानी अंदोलन नाल कोई संबंध नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस उपर लाए इल्जाम। कहा पंजाब में मुजरमान सुरक्षा दे रही है कांग्रेस अते यूपी में अजिहे आंसरों कोई थान नहीं। कानून करेगा अपना काम। बाल अधिकार कमिशन ने पंजाब सरकार को 8वीं जमात तक के विद्यार्थियों के पेपर ऑनलाइन लैण दे की सिफारिश।
इनकम टैक्स विभाग की टीम ने हरियाणा के महम तो आजाद विधायक बलराज कुंडू की रिहाई समेत उस दियां 30 थावां ते की छापेमारी। इनकम टैक्स विभाग ने हिसार, दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक अते कुंडू दे सौरे घर दे विच मारे छापे। विधायक ने हाल च ही हरियाणा सरकार तो अपना समर्थन लिया है वापस। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा विधानसभा के आजाद विधायक बलराज कुंडू से राजनीतिक तौर पर प्रेरित IIT वालों छापा मारन की कीती सख्त निखेधी। 20 साल कैद कट्टण वाले नूं हाईकोर्ट ने कहा कि यह तो है बेकसूर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के 43 साला व्यक्ति नूं बलात्कार के मामले से गलत तरीके नाल दिता गया सी दोषी करार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल बाद जेल चो किया बरी। महाराष्ट्र के एक होस्टल में 229 विद्यार्थियों कोरोना पॉजिटिव, स्टाफ के 3 मैंबरों भी होया कोरोना। भारत ते पाकिस्तान दीआं फौजां कश्मीर विच कमांडरी सरहद ते गोलीबारी रोकण लई सहमत। पिछले कुछ महीनों तो गोलीबारी जारी। सांझे बयान विच कहा कि असीं दोवें देशां दे फौजी अधिकारियों ने टैलीफोन राही कीती है एक दूजे नाल गलबात, एक दूजे दीआं चिंतावां ते विचार करन लई होए हां सहमत। बंगाल दे JP नड्डा की रैली की मंजूरी पुलिस ने की रद्द। पछमी बंगाल के दौरे पर पहुंचे से BJP के प्रधान JP नड्डा ने BJP लखो सुनार बंगला मिशन की की शुरुआत। पंजाब नैशनल बैंक नाल धोखाधड़ी के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी हवालगी मुकदमा हारिया। बरतानिया के जज ने कहा नीरव मोदी को धोखाधड़ी के काले धन को सफेद करने के दोषों का सामना करने लिए भारत के हवाले किया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रधानमंत्री को यूनीवर्सिटियों लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आदि करवाने लिए सुधारी दिशा निर्देशों बारे लिखा पत्र। कहा कि सूबा सरकार को किसी भी विद्यक संस्था द्वारा किसी भी कानून की उलंघना कर जां राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के उल्ट कार्रवाई किए जाने उस स्थिति नाल जजिठण लई दिता जांदा है अधिकार। उत्तराखंड च पति की जायदाद में औरतों को बराबरी का अधिकार, करीब 35 लाख औरतों को होगा इसका फायदा। चीन ने किया देश चों गरीबी पूरी तरह खत्म करन दा दावा। कहा 4 दहाकों अंदर 770 मिलियन तो वध लोगों नूं कढ़िया गरीबी रेखा तो बाहर। इसनूं चमत्कार दस्सिया चीन के राष्ट्रपति ने। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना महामारी दौरान सबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने लगाई रोक हटाई। सबका राष्ट्रपति ने पिछले साल कोरोना वायरस कारण बढ़ रही बेरोजगारी का हवाला देते हुए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करना किया बंद, जिसकी म्याद ट्रंप ने बढ़ा दी 31 मार्च तक। फेसबुक ते इंस्टाग्राम ने म्यांमार की सेना से लाया बैन। कहा इसकी इजाजत देना जोखम भरिया काम। ऑस्ट्रेलिया च फेसबुक ते गूगल करेंगे खबरों लिए भुगतान, कानून किया गया पास। ऑस्ट्रेलिया विच पास होने वाला यह पहला कानून, अमरीकी टेक कंपनियां ने सख्त विरोध जताया। इमरान खान की पार्टी के संसद मैंबर आमिर लियाकत ने हिंदू भाईचारे तो मंगी माफ़ी। अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की सी हिंदू देवी देवतों नाल संबंधित फोटो। हेडलाइंस वेखण वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।